हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं खुशबू आप लोगों का वेलकम करती हूं। और हम कहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने, आप लोग बने रहिएगा। और कैसे हैं आप सब बताना कमेंट बॉक्स में। जो भी न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। यहाँ पर देखिए ज़बरदस्ती हाय बुलवाया जाता है महाराज जी को ताकि वो हाय बोलें। अभी आगे है और एक वीडियो लिया गया है। मेरे बच्चे जब से वो आए तब से उनको बोल रहे हैं कि आप वीडियो में बहुत दिन बाद आए तो अभी आना आइए, क्योंकि वो बाहर गए थे कुछ दिनों के लिए। तो अभी आ गए हैं तो फिर यही सिलसिला चला है, हमारी शॉपिंग शुरू हो गई है, हम जा रहे हैं। आप लोग आगे बने रहिएगा। ऐसे ही पहनाएंगे, ऐसे पहना रहे और कैसे हो गया कि नहीं। हाँ सही इधर बोला कहा वो जो लगा था वही देख के ले रहे हो क्या? हाँ तो ठीक है, देखो इधर आ। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है यार, तुम्हारी शादी है क्या? नहीं अच्छा लग रहा है, यही वाला वो भी है ना भर के। नहीं नहीं ठीक है, अच्छा यही ले। सही करो, नहीं सही करो पीछे। सो फ्रेंड्स, ये दूसरे दिन का क्लिप है। हम वहाँ से क्या शॉपिंग किए क्या नहीं शॉपिंग किए वो आप लोगों को फिर कभी दिखाऊंगी मैं। हमने लिया या नहीं लिया वो आप लोगों को अगले वीडियो में या दूसरे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। लेकिन और यहाँ पर देखिए शशांक आ गया था इसलिए मैं डिस्टर्ब हो गई, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए इनको फिर से, ये लोग सुबह का टाइम है। अरे देखिए इन लोगों को चिढ़ा रहे थे कि पापा कैसे हाय करते हैं। तो मैं यहाँ पर चाय ली हूँ, आप लोग भी आइए चाय पीते हैं। और आप आगे बने रहिएगा। महाराज जी इतना सारा क्या लेकर आए हैं, वो भी चार दिन से लेकर घूम रहे थे गाड़ी में और मुझे बाद में मिला। तो क्या है वो इतना सारा, आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा, वो लास्ट में ज़रूर देखने को मिलेगा वीडियो। ये मत सोचिएगा कि मैंने उसे लास्ट में ऐड किया, ऐसा कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप वीडियो है मेरा। जब मैंने स्टार्ट जहाँ से किया है वहाँ से मैंने स्टार्ट मैंने लगाया है वीडियो। ये मत सोचिएगा आप लोग की नहीं है। तो यही सब है, मैं यहाँ पे थोड़ा वॉइस ओवर कर रही हूँ। क्या हुआ? तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर करी, बच्चे भी बीच बीच में आके मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। रुक जाओ जरा यार, वीडियो एडिट करने के टाइम है, लोग सच में मुझे इतना परेशान करते, टाइम नहीं मिलता है कब हम हाउस वाइफ वीडियो एडिट करें, कब क्या करें कब क्या ना करें, जैसे कुछ समझ में नहीं आता है, इसी में दिमाग कन्फ्यूज हो जाता है। मैं कुछ और बोलने वाली थी बट आप लोग आगे बने रहिएगा। यहाँ पे मैं सुबह का टाइम है, चाय लेके बैठी थी, वही सब कपड़ों के बारे में बात कर रही हूँ और कुछ नहीं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया ना, इतना ख़राब हो गया है कि क्या ही बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब दिमाग दबाव हो गया। सुबह आए थे मेरी मामी मामा, मैं वीडियो नहीं ले पाई, मेरे लिए कतरी सिलकर लेके आई थी तो मैंने रखा है, बस मैं वीडियो नहीं ले पाई, कोई नहीं था, मैं अकेली थी और सब खाना पीना देना करना सब काम था इसलिए, और ज़्यादा टाइम वो लोग रुके ही नहीं, बस आए मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं थे। और मैं आज मेरा ना कुछ दिन से ना मुझे इतना मतलब ऐसे कुछ घर का कुछ टेंशन है फ्रेंड्स, जैसे दिमाग बहुत ख़राब है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है और उसी चक्कर में एक मिनट और उसी चक्कर में आज मैं अपना ब्लाउज कट क्या कट की इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना। ब्लाउज कट करना था मेरे नाप का और कट हो गया छोटे बच्चे के नाप का, मेरा इतना दिमाग उड़ गया ना, इतना दिमाग उड़ गया ना कि दिमाग ख़राब हो गया है। और अस्तर कट की होती तो चलता, चलो अस्तर कट की हूँ मैं, अस्तर दूसरा ले लेती। मैंने पीस भी कट कर दिया है, मैं बैक कैमरा से आप लोगों को दिखाऊंगी। अब मैं सब जॉइंट मार रही हूँ, देख रहे हैं आप लोग, इतना दिमकवा आउट हो गया बाबा, इतना दिमकवा फेल हो गया बाबा हमार, कुछ मन ना कर रहा था कि सीए पूरे के, सच बोल रही हूँ फ्रेंड्स, इतना दिमाग ख़राब हो गया ना, पता नहीं मुझे क्या हो गया। सच में टेंशन ऐसी चीज़ है ना, ये तो जोड़ ले वो भी जोड़ना पड़ेगा मुझे, इतना मेरा दिमाग ख़राब है। टेंशन ऐसी चीज़ है ना कि आपको ज़िंदा नहीं रहने देगी और आपको मतलब बीमारी भी हो सकती है, उसी चक्कर में मैं झेल रही हूँ।
परिवार का टेंशन नहीं होना चाहिए। बस सब बोलते हैं कि हाँ अकेले ऐसी की ज़िंदगी कर रही, लेकिन वो मुझे पता है कि कितना मैं अकेली हूँ और कितनी ऐसी की ज़िंदगी मेरी चल रही है। क्या करें, अकेले भी आप रहेंगे ना, आपको जीने नहीं दिया जाएगा, ऐसा ही है। क्या कर सकते हैं, मैं एकदम दिमाग ख़राब हो गया है। मैं ब्लाउज भी सिलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन सिलना पड़ेगा ही, उसे मुझे सही करना पड़ेगा। मैं गलत कट की हूँ तो मुझे सही करना है, जोड़ जाड़ के मैं उसे सही करके बना के दिखाऊंगी आप लोगों को। थोड़ा मेहनत लगेगा और कुछ नहीं, दिमाग भी एकदम ख़राब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं। कल नवरात्रि है, ये वीडियो नवरात्रि के दिन ही जाएगा, शायद से नवरात्रि के दिन जा सकता है, उसके बाद भी जा सकता है, लेकिन दिमाग बहुत आउट है फ्रेंड्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किससे अपने दिल की बात करें या किससे ना करें। किसी से कुछ कहना भी बेकार है, अगर आप अपने दिल की बात बता भी रहे हो तो सामने वाला आपके सामने हाँ हाँ करेगा, पीठ के पूछे आपकी बुराइयाँ ही करेगा। तो इसलिए ना मैं तो बोलती, जो जहाँ है खुश रहो, जीने दो और जियो, जीने दो। मेरा ब्लाउज न खराब हो गया, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। ऐसा लग रहा चुपचाप ऐसे बैठ जाऊं, बैठने को भी नहीं हो रहा है, एकदम दिमाग खराब, ऐसा लग रहा है मैं कब इसमें सही कर डालूं। बैक कैमरा दिखाती हूँ, सब फैलाई हुई हूँ। सो फ्रेंड्स ये देखिए, सब ब्लाउज कटिंग कर करके फैला दी हूँ एकदम से चारों तरफ, ना दिमाग खराब हुआ है मेरा, ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अस्तर तो अस्तर मैंने ब्लाउज पीस भी कट कर दिया है, दिमाग खराब है। चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं, फिर मिलते हैं। देखिए चार दिन से गाड़ी में लेके घूम रहे थे, इतनी सारी मिली, ये देखिए बात कितना है, 1 किलो होगा, 1 किलो उनके फ्रेंड दिए थे, साथ खरीदे हैं उनके यहाँ से, मतलब उनका पेड़ है। अब मुझे इतना मस्त महक रहा है कि आप लोगों को मैं क्या ही बताऊँ, पक्का हुआ है, ऐसा कौन करता है, कच्चा पक्का दोनों है, कच्चा है ये तो, वाह, जीभ से पानी आ गया है, कच्चा पक्का दोनों है फ्रेंड्स देखिए। और ये 4 दिन से वो गाड़ी में लेके घूम रहा है, अभी आए हैं तो निकाले हैं, तो किस किस के मुंह में पानी आया भाई उंगली देखकर ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, सभी के मुंह में पानी आ गया होगा। और मैं इतनी इमली करूँगी क्या, भगवान ऐसा कौन करता है, महाराज जी भी मेरे अजीब ही हैं देखिए, वाह एकदम मेरे जीभ से पानी, जो कि मेरा खट्टा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन पता नहीं कि इमली देख के ना ऐसा मन कर रहा, ज़्यादा नहीं 1 पीस खा लूँगी बस, उतना ही मेरे लिए बहुत हो जाएगा, अब मैं ज़्यादा खाती नहीं बताइए। और फाइनली ये ब्लाउज़ मैंने बना भी लिया फ्रेंड्स, आप लोगों को दिखाती हूँ अभी पूरा कैसा जुगाड़ लगा कर। और ये देखिए इतनी सारी इमली कौन खाएगा, आप लोग आइए फ्रेंड्स ये इमली खाने के लिए। और अंधेरा है, लाइट बंद है, मैं यहाँ पर सिल रही थी, मशीन यहाँ पर रखा है ना, सिल रही थी, ये आ गए तो चलिए देखते हैं आगे जो भी रहेगा, मिलते कुछ टाइम में, आ गए।